नमस्ते दोस्तों, मनुष्य के इमोशन जैसे लव, हैप्पीनेस, फियर से जुड़े साइकोलॉजिकल फैक्ट के द्वारा ह्यूमन बिहेवियर को समझा जा सकता है। इस तरह के साइकोलॉजिकल फैक्ट जानने के बाद आप अपने जीवन को पहले की अपेक्षा थोड़ा और आसान बना पाएंगे। एक तरह से इन साइकोलॉजिकल फैक्ट को लाइफ हैकिंग भी बोल सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कुछ अमेजिंग साइकोलॉजिकल फैक्ट के बारे में। नंबर वन, यदि आप अपने आयु को लंबी करना चाहते हैं तो उसमें एक्सरसाइज का एक अहम भूमिका होता है, लेकिन एक स्टडी के अनुसार गुड रिलेशनशिप एक्सरसाइज से भी कहीं बेहतर है। यदि आप अपने आयु को लंबी करना चाहते हैं तो कोशिश करें कि कम से कम अपने परिवार के साथ मिलजुल कर रहे। नंबर टू, जब आप बुरी तरह से थके होते हैं तो उसी समय आपका दिमाग ज़्यादा क्रिएटिव हो जाता है। नंबर थर्ड, जब आप किसी के प्यार में पड़ते हैं तो आपका न्यूरोलॉजिकल इफेक्ट उतना ही होता है जितना किसी ड्रग्स को लेने से होता है। नंबर फोर, आप जिससे प्यार करते हैं उसके सिर्फ हाथ पकड़ने से ही फिजिकल पेन कम होने के साथ साथ आपके स्ट्रेस और फियर भी कम होता है। नंबर फाइव, एक स्टडी के अनुसार वॉलंटियर्स नॉन वॉलंटियर्स के तुलना में अपने लाइफ से ज़्यादा सेटिस्फाइड रहते हैं, इसलिए दूसरे को मदद जरूर करें, इससे आपको भी फायदा होगा। नंबर सिक्स, जो लोग टेलीविजन में क्राइम शो देखते हैं वे रियल क्राइम को नज़रअंदाज कर देते हैं क्योंकि उनके अंदर की संवेदनाएँ मर जाती है। नंबर सेवन, किसी भी ग्रुप में होने वाले लगभग 80% ह्यूमन टॉक किसी की आलोचना के बारे में ही होता है। नंबर एट, जब लोग शारीरिक रूप से थके होते हैं उस समय वे सामान्य से ज़्यादा ईमानदार होते हैं। नंबर नाइन, एक स्टडी के अनुसार 16 से 28 वर्ष के बीच होने वाली दोस्ती ज़्यादा दिनों तक चलती है। नंबर टेन, इस भागदौड़ की ज़िंदगी में खुश रहना कौन नहीं चाहता, तो साइकोलॉजिस्ट का मानना है कि अगर आप खुश लोगों के बीच में रहते हैं तो आप में भी ज़्यादा पॉजिटिविटी आने लगती है जिससे आप भी खुश रहना चालू कर देते हैं। दोस्तों, इनमें से कौन सा फैक्ट आपको सबसे ज़्यादा अच्छा लगा कमेंट में अवश्य बताइए, तथा ऐसे ही अमेजिंग वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।